तो भाइयों आप फिरोज शाह तुगलक को तो जानते ही होंगे। जब वो दिल्ली का बादशाह बना था तो वहां पर तो हिसार में एक दूध बेच रही गुजर लड़की से उसको प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो उसके लिए गुजरी महल बनाता है। ये हम कुछ नहीं कह रहे, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। हिसार में कभी भी गुजरी महल देखने जाओ तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है, उसी को देखकर हम आपको बता रहे हैं। तो भाइयों जब वो गुजरी महल बना रहा था तो दूसरी तरफ दिल्ली को बसाने वाले महाराजा नकबाल तोमर के वंशज दिल्ली के इसके पास ही बैठे हुए थे रिठाला में। वो हमेशा फिरोज शाह तुगलक लोगों पर अत्याचार करता था, तो वो उसको लूट लिया करते थे, उस पर हमला कर दिया करते थे। जो जब भी वो वहां से गुजरता था तो वो उस पर हमला करते थे, उसको लूटपाट मचाते थे और मुगलों को तुगलकों को तंग किया करते थे, जिससे तंग आकर उसने आत्मसमर्पण कर लिया। एक बार इतना भयंकर युद्ध हुआ कि राणा राजपाल सिंह तोमर, तो भाइयों अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे महाराजा नंगबाल तोमर की जयंती मनाते राणा राजपाल सिंह सोम के वंशज, ऊपर देखिए यही राणा राजपाल सिंह सोम थे रिठाला के, जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक को हराया था। फिरोज शाह तुगलक को उनके सामने झुकना पड़ा, उसने उनसे सिंधी कर ली। उसने कहा कि तू दिल्ली पर हमारे रियासत पर हमला नहीं करेगा, बदले में हम तुम्हें जो बोलेंगे तुम्हें हम वो करने के लिए तैयार हैं। उसने ऐसी सिंधी की, उसने कहा कि तू रिठाला के आसपास जितनी भी तू अपना घोड़ा पूरी दिन तक सुबह से लग शाम तक रात होने तक जितना तेरा घोड़ा घूमेगा उतना तू जगह अपने कब्जे में तेरे आ जाएगी। उसने घोड़ा कमाना शुरू किया, रात तक जहां घोड़ा घोड़े ने बस कर दी, घोड़ा खत्म हो गया मर गया, वहां तक रिठाला में उनका राज स्थापित हो गया। और वहां पर कभी भी फिरोज शाह तुगलक आ नहीं सका, क्योंकि वो हारा हुआ था और वो कहां कैसे आता, उसने सिंधी कर ली थी। और आप देखिए कि जो घोड़ा जहां पर गिरा था, जहां उसकी डेथ हुई थी, वहां पर उसकी जगह भी बनी हुई है। ये आत्मसमर्पण तो होता है कि एक तरफ क्षत्रिय लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कोई लोग महल बनवा रहे हैं। तो आप बताइए कि देश के असली योद्धा कौन है जिन्होंने सबकी माँ बहनों की रक्षा की।